नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। पहले अचानक मुख्यमंत्री बनने पर चर्चा में रहे, तो अब तीरथ सिंह रावत ने अपने बयानों की वजह से एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अब बयान दिया है कि आजकल महिलाएं फटी जीन्स पहनकर चल रही हैं। क्या ये सब सही है? ये कैसे संस्कार है? वहीं सीएम के इस बयान से अब विवाद खड़ा हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। अपने बयान पर घिरे सीएम तीरथ, महिला नेताओं ने सीएम पर साधा निशाना, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा महिलाओं के पहनावे को लेकर जो बयान दिया गया, उस पर अब विवाद बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर इस बयान पर बहस छिड़ गई है, तो वहीं राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का भी अंबार लग गया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोहित्रा ने तीरथ सिंह रावत के बयान पर तीखा हमला बोला है। महुआ मोहित्रा के अलावा प्रियंका चतुर्वेदी ने भी तीरथ सिंह रावत पर निशाना साधा है। इन महिला नेताओं ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि सीएम तीरथ सिंह रावत ने आखिर ऐसा क्या बयान दिया जिस पर इतना विवाद खड़ा हो गया है। किसी कार्यक्रम में था, अगले दिन करवा चौथ था और जब मैं जहाज में बैठा तो अगले दिन मेरे साथ दो तीन जब लोग थे, मैं एक पार्टी के कार्यक्रम से गया था, मैं राष्ट्रीय सचिव था, तो मानो सब ने एक दो मेरे साथ जो दिल्ली से थे बोला करवा चौथ है, जाना तो है, साल भर नाराज रखते हैं तो एक दिन तो खुश रखना है, तो इसलिए भैया ये दिन जाना है। हमने कहा चलो भाई, तो हमने बेटी को, लेकिन जहाज में जब बैठा था तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा के बगल में बैठी है, लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो। टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा ने ट्विटर पर लिखा कि उत्तराखंड सीएम कहते हैं जब नीचे देखा तो गमबूट थे और ऊपर देखा तो एनजीओ चलाती हो और घुटने फटे दिखते हैं। सीएम साहब, जब आपको देखा तो ऊपर नीचे आगे पीछे हमें सिर्फ बेशर्म बेहुदा आदमी दिखता है। टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा ने आगे लिखा कि राज्य चलाते हो और दिमाग फटे दिखते हैं। आपको बता दें कि ना सिर्फ महुआ मोहित्रा बल्कि कई राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से भी तीरथ सिंह रावत के बयान की निंदा की गई है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी लगातार सोशल मीडिया पर तीरथ सिंह रावत के बयान की आलोचना की जा रही है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी तीरथ सिंह रावत के बयान पर टिप्पणी की है। प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा कि देश की संस्कृति और संस्कार पर उन आदमियों से फर्क पड़ता है जो महिलाओं और उनके कपड़ों को जज करते हैं। सोच बदलो मुख्यमंत्री जी, तभी देश बदलेगा। बीते दिन आए इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी अब बहस छिड़ गई है। इतना ही नहीं, तीरथ सिंह रावत के बयान के विरोध में सोशल मीडिया पर एक नया हैशटैग चल रहा है, #RippedJeansTwitter। जब देश में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, तब ऐसे में सीएम साहब के मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। उत्तराखंड की बहन बेटियों ने उम्मीद की थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जगह जब सीएम तीरथ सिंह रावत को लाया गया तो कुछ सोच समझ कर ही लाया गया होगा, लेकिन आपका इस तरह का बयान बड़े सवाल खड़ा करता है। काश आप इस तरह के हल्के बयान न देकर अपने पद की गरिमा को बरकरार रखते। उम्मीद है कि आप इसे समझ सकेंगे कि महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए, न कि महिलाएं क्या पहने और क्या ना पहने। सोचिएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।